चूंकि ये जवाबी कीर्तन है तो एक सवाल जाना चाहिए मेरी ओर से। अब सवाल ये है कि सवाल क्या किया जाए। अच्छा आदरणीय बहन जी, सोच रही हूँ कि पहला गीत होली मिलन समारोह ये उत्सव मनाया जा रहा है, तो पहला गीत मैं होली के रूप में ही आपको दे रही हूँ। आदरणीय बहन जी सुनिए, सुनिए। हेलो 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 हेलो, देखिए इसको, हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो, जरा सा मेन माइक बढ़ा दीजिए। हेलो 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 हेलो, बस इतना हल्ला मचाए रहिए कि हमारे अलावा किसी के सुनाई ना दे। पिताजी, मामा जी, सभी लोग बैठे हैं, गीत को सुनिएगा। सुनिए। सवालिया गीत में कोई सवाल नहीं है ना। लेकिन ये सवालिया रूप गीत है, सुनिए। फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं ना। अरे तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे क्या हो। कीर्तनकारों के बीच में हाँ। बहुत कम ऐसा स्वभाव मिलता है, कम ही लोग हैं ऐसे। और बहन जी जहाँ बैठे ये प्रेम की नगरी भी है हाँ। तो सुने सुने राजकुमारी जी, आपके कर कमलों से 51 मेरे लिए है और 51 भैया मुकेश के लिए है। आज फोन आया था कि लॉटरी लग गई है। और क्या, और क्या लॉटरी। धन्यवाद है, नमन कर रही हूँ बहन जी को, सुनेगा सुनिए।
होली का त्योहार मना रहे हैं। आदरणीय बहन जी सुनिएगा, सुनिए। और ये होली कैसे कैसे और किन किन कारणों बस मनाई जाती है सुनिएगा, कुछ कारण दिखा रही हूँ सुनिए। भक्त पहला जो हमेशा हरि नाम सुमरन करता है, उसके पिता श्री हमेशा उसका विरोध किया करते हैं। आदरणीय बहन जी गीत को सुनिएगा, सुनिए। कि अगर जो भक्ति काम देव का काम
रति की भरी। रति भोलेनाथ के चरणों में आई, कनी भोलेनाथ ने क्या कर दिया, और काम ही नहीं होगा तो फिर ये संसार कैसे बचेगा और क्या कैसे रहेगा। सुनेगा सुनिए, रति की भरी सोने झोली न होती तो पुनः सुनी मांग में थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। सुने सुने, निकली जो ग्वालों की, निकली जो ग्वालों की टोली न होती। के लिए लिखा गया है आदरणीय पिताजी, मैं ईद में आया था तू होली में चला। मैं ईद में आया था तू होली में चला आ, अरे घूमता हुआ तू मेरी खोली में चला आ। अरे बजेगी रंगों की सहनाइयां, बजेगी रंगों की सहनाइयां, अरे झूमता गाता तू मेरी टोली में चला। जगदीश भैया, हमारे जगदीश बाबा जी है जो कानपुर में बहुत बढ़िया कार्यक्रम कराते हैं। बिल्कुल अच्छे आयोजक। और क्या, रावतपुर क्रॉसिंग कानपुर से ये 201 पद मुद्राएं आपने प्रदान किए हैं, हृदय से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी तो होली की मिठाई भी चाहिए। और क्या, सुनेगा सुनिए, यदि जो वैसे तो हम लोग फूलों की होली खेलते हैं, रंगों की होली खेलते हैं, लेकिन ब्रज में तो एक बड़ी विचित्र होली होती है। यदि जो आपस में ठिठोली ना होती, कभी लट्ठू मार की होली ना होती, उठी पूतना या बुआ जी आई थी तो या मौसी जी आई, उठी पूतना की डोली न होती, भरी ये रंगों की रंगोली न होती, होली का न होती तो होली का न होती तो होली का न होती। कुछ नहीं है गाने में, हलुआ है बिल्कुल। होली का न होती तो होली न होती, होली का न होती।
देखिए मैंने निवेदन किया है, ये कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि कोरोना जैसे पीरियड में ये चल रहा है। बहुत अपेक्षाएं हैं कलाकारों से हमारी श्रोताओं की, और ये भी बताना चाहूँगा इन कलाकारों को कि इसमें 70% लोग कीर्तन की बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं। ये मैं पुनः आपको फिर रिमाइंडर करा रहा हूँ कि बहुत ही स्वस्थ गीतों को आप लोग अपनी ओर से प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। अब मैं बड़े ही आदर से आमंत्रित करता हूँ कानपुर महानगर उत्तर प्रदेश से पधारी हुई रिंकी तिवारी जी को और उनके सभी ग्रुप के सभी सम्मानित बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए रिंकी जी अपनी प्रस्तुति। और मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे इस सभा में हमारे बउआ पांडे जी तो नहीं है, लेकिन उनकी जो बो हुई फसल है, जो उन्होंने अपने पुरुषार्थ से संगीत विधा में ढोलक की विधा में जो उन्होंने एक नया आयाम दिया है, और उनके बनाए हुए उस पद पर बहुत सारे ढोलक मास्टर आप देख रहे हैं, जो रिंकी तिवारी जी के साथ में ये लड़का वादन कर रहा है, ये बउआ पांडे का। बउआ पांडे अपनी मृत्यु से कुछ माह पहले इस बच्चे को अपना शागिर्द बनाया था, मैं आज इसको उसी रूप में देख रहा हूँ। आइए रिंकी तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। हालांकि आप कीर्तन से दूर हुए हैं, लेकिन अपनी इस बहन से कभी दूर नहीं होंगे, जिन्होंने कई साल हमारे साथ संगत की है। हमारे सचिन भैया जो कि बुआ भैया के भाई हैं, यानी हमारे भी भाई हैं, उनकी ओर से हमारे लिए 51 रुपए, और जो हमारे साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं हमारे बुआ भैया के शिष्य हैं भैया समरजीत जी, आपके लिए भी 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, मैंने दे दिया है, अब आप भी दे दीजिए। अब ये एक सूचना आई है, विशाल जवाबी कीर्तन दिनांक 21/4/21 रामनवमी नवरात्र में, स्थान है श्री सिद्धनाथ मंदिर पुरानी बाजार उन्नाव में, जिसमें दो पार्टियों को आप सुनेंगे। एक पार्टी हमारे रायबरेली के आदरणीय सम्मानी बड़े भैया श्री सोहन बैरागी जी हैं, और दूसरी पार्टी हमारे कानपुर के ही बहुत अच्छे कीर्तनकार आदरणीय बड़े भैया श्री विनोद अनुरागी जी हैं। सूचना समाप्त हुई, आपकी ओर से ये 100 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आप लोग इस कार्यक्रम को जरूर सुने, दोनों ही बहुत अच्छे कलाकार हैं। और ये हमारे केशव वाजपेयी भैया जी, आपकी ओर से हमारे समरजीत जी के लिए 51 रुपए आए हैं, जो कि आप बुआ भैया के ही शिष्य हैं, उन्हीं के लिए। मामा हमको इतने में काम नहीं चलेगा। ये हमारे आदरणीय मामा जी की ओर से संतोष मामा जी, जो कि आप लोग सभी लोग इनसे परिचित हैं, आदरणीय श्री शशिराज कमल जी के साथ आप सहयोगी हैं, आपकी ओर से 51 रुपए हमारे समरजीत के लिए आए हैं, कोटि कोटि धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और देंगे मामा। ये है सीबू डीजे ग्रुप, इसकी ओर से 51 रुपए आए हैं, कोटि कोटि धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। ये मनोज कुमार मिश्रा भैया सभासद नगर पालिका परिषद उन्नाव आवास विकास कॉलोनी, आपकी ओर से 100 रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं बहुत ही आभारी हूँ हमारे बीच में अपने उत्तर प्रदेश का और कानपुर महानगर का एक ही बहुत ही उदयीमान कलाकार सचदेवा शरारती हमारे बीच में है। मैं वो हमारे बीच में बिना किसी उसके आए हैं, मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और ये चाहूँगा कि हमारे बीच में है श्री विनोद जी शर्मा आवे और सचदेवा शरारती। मैं ये वादा करता हूँ कि इस सचदेवा शरारती का कार्यक्रम शीघ्र उन्नाव नगर में आपको सुनने को मिलेगा। इस नाम को आप लोग YouTube पर, और बहुत ही उदयीमान, बहुत ही
अपने अंदाज का एक हरफन मौला कलाकार सचदेवा शरारती कानपुर। धन्यवाद। लोग कहते हैं संग्राम 2020 ना ना ना, जहाँ पर कीर्तन होता वहाँ संग्राम कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ही नहीं। लेकिन बस अपनी अपनी सोच है, कोई संग्राम करे कोई कीर्तन करे। सही। लेकिन आई है कोई कोई महायुद्ध कह देते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सुंदर सा मंच है। चलते हैं बहुत ही सुंदर से कार्यक्रम की ओर। मैं प्रयास करूंगी बहन कल्पना जी की ओर से जो गीत आया है उसका कुछ थोड़ा बहुत प्रयास हो जाए। आए सबसे पहले आप लोग तर्ज सुने। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारा छोटा भैया जिसको मैंने अभी बताया है, पिताजी ने भी बताया है, सचदेवा शरारती जी इस बच्चे की ओर से आए हैं। माता रानी आप पर हमेशा वरद हस्त बनाए रखें। जिस तरह आप बढ़ रहे हैं इससे दुगनी गति से आप बढ़ें। मैं अपनी ओर से यही आपको आशीर्वाद दूंगी क्योंकि आप हमसे छोटे हैं, इसलिए बस यही मैं आशीर्वाद दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुझे पता है आप केवल यहाँ पर हम लोगों के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पर आए हैं बउआ भैया के लिए। बिल्कुल सत्य, ये मैं जानती हूँ। मुझे पहले ही सूचना मिल गई थी जब मैं कानपुर से चली कि सचदेवा जी आएंगे, तो मैंने कहा अगर आएंगे तो उनका स्वागत जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जो आप यहाँ पर आए। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली हमारे शरारती जी के लिए। छोटा है तो शरारत करेगा बच्चा है, लेकिन अभी कोई जाएगा नहीं। और ये भैया श्री गुल्लू अवस्थी जी आपकी ओर से ये 100 रुपए का आशीर्वाद है। और ये भैया श्री सोनी पान पैलेस आपकी ओर से भी ये 100 रुपए का आशीर्वाद है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। धन्यवाद है। चलो बेटा। और जिनके पुरस्कार हैं आप देते जाएं, भले देर में बोलें लेकिन बोलेंगे जरूर। तर्ज आप लोगों ने बहुत अच्छी सुनी है। सबसे पहले आप तर्ज सुने, उसके बाद मर्ज सुने, और मर्ज के बाद यानी प्रश्न तो नहीं है लेकिन गीत प्रश्नवाचक है तो उसका इलाज आप सुने यानी जवाब के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया बोला। हेलो 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 बच्चा, ये कम हो रहा है, इसको कम मत करिए, जितना चल रहा है केवल आप उतना रहने दीजिए। एक बार सेट कर दीजिए आप वहाँ से, बिल्कुल हाथ हटा ले। बार बार उंगली न चलाएं। हेलो 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 हेलो, बस छोड़ दीजिए आप, जैसा है हम लोग एडजस्ट करें। बिल्कुल बहुत अच्छा। अच्छा तर जाई है। कौन से बेटा? अरे तुम्हें क्या बता you
अगर तुम ना होती, अगर तुम ना होती। आइए, ये तो तर्ज है, वाकई में बहुत अच्छी तर्ज लाई है कल्पना जी आप। कल्पना भी नहीं की थी ऐसी धुन आप लाई है, क्या बात है कल्पना जी। भाई वाह, ये एक बार फिर से बच्चा तुम्हारे लिए, हमारे समरजीत के लिए, आदरणीय हमारे पापा जी। हालांकि हर व्यक्ति जानता है इस नाम को लेते ही कार्यक्रम में रोचकता चली जाती है, न जाने क्यों इच्छा नहीं होती है कि यहाँ से फिर जवाबी का कार्यक्रम हो, लेकिन मजबूरी है, ये उसी का मंच है, इसलिए उसके लिए हम लोगों को रो करके हंसना पड़ रहा है। ये नाम ऐसा है, जब भी लेते हैं हम लोग, घर में भी लेते हैं, अपने आप आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ये मंच उसका है, उसने सजाया तो हम लोगों का भी दायित्व है कि इस मंच को सजाना है, ना कि बिगाड़ना है। इसके लिए आइए हमारे पापा जी की ओर से, हमारे समरजीत के लिए जो कि बउआ का ही शिष्य है, हमारे कानपुर में बउआ भैया ने हमारे समरजीत को शिष्य बनाया था। वो खुद कहता है मैं ऐसा दुर्भाग्य शिष्य हूँ कि गुरु बनाते ही ऐसी घटना हो गई, लेकिन फिर भी वो केवल मोबाइल के द्वारा ही, उनके द्वारा जो सिखाया जाता है, जो वो बजाता है मोबाइल में, उसको वो ले रहा है, उससे वो सीख रहा है, जो है वो परोस रहा है आप लोगों के सामने। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ समरजीत को, जो बेटा तुमने ऐसे गुरु का चुनाव किया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। गीत भी आपने सुना है, कल्पना जी आपने एक बात कही, दीदी परेशान मत होइए, मेरा गीत बिल्कुल हलवा है। बेटा तुम हलवा क्यों खिला रही हो, जब गुजिया का माहौल है तो हलवा क्यों गुजिया पापड़ खिलाओ। दीदी के लिए तुम्हें हलवा पापड़ लेकर आना चाहिए, हलवा तो दीपावली में बनाते हैं, हम लोग के दांत बहुत मजबूत है। लेकिन चलिए, आपके लिए ये गीत हलवा है, मेरे लिए गीत हलवा नहीं है, क्योंकि ये गीत कल्पना जी का है। कल्पना जी कभी हलवा गीत देती नहीं है। और ये देखिए, जो खास कहानियां होती हैं होली के विषय में सुनी जाती हैं, वो कल्पना जी ने ले ली है, इसीलिए उनके लिए हलवा है, और हमारे लिए ये लड्डू जो होते हैं टाइट वाले, उसका काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बच्चा सुनिएगा, जवाब तो लाना है, क्योंकि होली है, होली है, तो मैं भी प्रयास करूंगी, होली का जवाब दीपावली से तो देंगे नहीं ना, ना। तो जो छूटा है, कुछ थोड़ा बहुत आपने छोड़ा है, तीन कथानक मेन होते हैं, वो आपने बता दिए, बुआ मौसी और गोपिका, ये तीनों आप ले आई हैं। लेकिन चलिए, जो आपने लिए हैं मैं उनको बिल्कुल नहीं छूंगी, जो थोड़ा बहुत लाऊंगी उसको आप स्वीकार करें। सुने की, अरे भक्ति की शक्ति पे, क्योंकि भक्त प्रहलाद है वो, और उधर शक्ति है, वो अपनी शक्ति लगा रहा है कि मैं इसको जीतने नहीं दूंगा, यहाँ पर मेरा राजस्व है तो हमेशा रहेगा, वरना कश्यप सोचता है मेरी पूजा है होती रहेगी, हरि कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उसको तो ब्रह्मा से वरदान था, ना ऊपर मरे ना नीचे मरे, ना दाएं मरे ना बाएं मरे, ना अंदर मरे ना बाहर मरे, ना मानव से मरे ना राक्षस से मरे ना अग्नि से मरे, जब किसी से ना मरे तो सोचता था मैं अमर हूँ, और जब अमर हूँ तो जब सोच लिया तो बस यहीं पर समस्या हो गई। हुई क्या सुनेगा, अरे भक्ति की शक्ति पे जीत जो ना होती,
भक्ति की शक्ति में, अरे भक्ति की शक्ति में जीत जो न होती, अरे भक्ति पे शक्ति की जीत जो न होती, होलिका न होती तो होलिका न होली जलाते हैं और दूसरे दिन हम लोग होली खेलते हैं, और जब खेलते हैं तो अरे रंग बिरंगे रंग हैं लगाते, और रंग बिरंगे रंग हैं लगाते, और शिव के गड़ों खेलते हैं। कहीं कहीं पर लिखा मिला है भगवान भोलेनाथ के जो गढ़ हैं उनके साथ भी रंग खेला जाता है, इसीलिए बुराई पे भलाई की, बुराई पे भलाई की जीत जो ना होती, बुराई पे भलाई की जीत जो ना होती तो होली का ना होती। इसलिए जब ऐसा देखा तो देखिए होली हुई, और जब होली हुई तो घर घर में खुशियां छाई हैं, और इसीलिए जब ऐसा हुआ तो यहाँ पर होलिका में जब होली जली है तो उत्पीड़न तो जल गई, तो केवल रह गया आनंद ही आनंद, और जब आनंद ही आनंद रह गया तो मुझे कहना पड़ा क्या बेटा क्या पंक्तियों में आदरणीय कल्पना जी सुने आप, विधि का विधान कभी टाल नहीं टलता, बसंत पंचमी शुरू होती है, पहला गुलाल छोड़ा जाता है, तो अरे अरे आई बसंत और पतझड़ न होती, अरे आई बसंत और पतझड़ न होती यदि होलिका न होती। होलिका मैया की जय।